हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम है अभिनव एंड ब्रो दिस इज प्रो फ्रॉम पिक्सपेक। सो दिस इज प्रो मॉडल और इसके जो फीचर्स हैं वो भी प्रो लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पिक्चर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो कि हाईली ट्वीक्ड है और ये आता है 1080p यानी कि फुल HD नेटिव रिजोल्यूशन के साथ, लेकिन ऑन बोर्ड 4K प्लस HDR का भी सपोर्ट है, HDR का, जिसके बाद HDR एंड नॉन HDR में आपको ये डिफरेंसेस दिखते हैं। और HDR पे जब आप कंटेंट एंजॉय करते हो तो जो डायनामिक रेंज है वो आपको काफी ज्यादा वाइड मिल जाती है, जिसके बाद जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पंची एंड डीप दिखाई देते हैं। अब पिक्सपेक यहाँ पे 8000 लूमन्स की ब्राइटनेस को क्लेम करता है। नंबर्स लीव। तो अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हो, गांव की दीवार है, 73 इंचेस स्क्रीन का साइज है, 26 फीट की दूरी पे प्रोजेक्टर रखा है और यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी ये प्रोजेक्टर आपको ऑफर कर रहा है ऑन क्रीम कलर वॉल, व्हाइट नहीं है, क्रीम कलर की है, दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। और अब इस 373 इंचेस की वॉल वाली स्क्रीन पे कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे जो हाइट है वॉल की फुल फ्रेम वीडियोस में कम पड़ जाती है, तो जो थोड़ी स्क्रीन है वो पीछे की तरफ पेड़ पे जा रही है और कुछ आपको ग्राउंड पे भी शो हो रही है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइड से आपको लाइट की रोशनी भी आ रही है, तब भी स्क्रीन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर मैं स्क्रीन के सामने जाता हूं तो कैरेक्टर का फेस मेरे से ज्यादा बड़ा है। इवन अगर हम यहाँ पे गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, फोर्ड फिएस्टा कार है, आप नेट पे जाके खुद इसकी लेंथ हाइट सर्च करके अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बड़ी स्क्रीन ये प्रोजेक्टर बना रहा है। और बात रही पिक्चर क्लैरिटी की, तो वो आपको एकदम प्रॉपर मिलती है। जस्ट आपको एक रूल फॉलो करना है कि जितनी बड़ी स्क्रीन है उसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करके दूर जाके बैठ जाओ। ये सिंपल रूल होता है किसी भी स्क्रीन को देखने का। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्रीन के जस्ट ऊपर बैठ के देखोगे, 26 फीट अवे प्रोजेक्टर रखा है तो एटलीस्ट 20 फीट तो आपको दूर बैठना ही है। और इसका थ्रो रेशियो है 1.3, दैट मींस 10 फीट की दूरी से 130 इंचेस का स्क्रीन ये बना देता है। तो जितनी भी दूरी पे आप बैठोगे, फॉर एग्जांपल 12 फीट, तो 12 फीट में 1.3 की मल्टीप्लाई करनी है, आपकी स्क्रीन का साइज आ जाएगा। पिक्सपेक प्रो माली G31 GPU के साथ आता है एंड ये 60Hz का एक्चुअल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे GTA 5 का गेम प्लेबैक देख रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भी लैग्स या फ्रेम ड्रॉप 60fps के हिसाब से नहीं दिखाई देते। इस प्रोजेक्टर में आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो है IPS LCD डिस्प्ले विद LED लाइट सोर्स, जिसके साथ आपको डायनामिक रेंज काफी वाइड मिलती है, कलर पंची मिलते हैं एंड साथ ही साथ जो कलर एक्यूरेसी है वो भी 99.9% मिल जाती है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग शार्पनेस, क्योंकि प्रोजेक्टर में एक कॉमन इशू होता है कि कॉर्नर ब्लर्स होते ही होते हैं, इवन अगर आप इसको सेंट्रली भी अलाइन करो, लेकिन इस प्रोजेक्टर को अगर आप सेंट्रली अलाइन करते हो तो स्क्रीन आपके सामने है, चारों कॉर्नर पे मैंने कैमरा को मूव कर दिया है एंड यू कैन सी एक भी अक्षर यानी कि एक भी वर्ड आपको ब्लर शो नहीं होगा। तो इसको होम के अलावा अगर आप इंस्टीट्यूशन, स्कूल, ऑफिस कहीं भी यूज करना चाहते हो टेक्स्टेबल कंटेंट के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। एंड जो ब्राइटनेस है वो भी मोर देन इनफ है, अगर थोड़ी बहुत लाइटिंग है तो उसमें भी कोई इशू नहीं आता। 9 वोट के बल्ब के साथ कुछ इस तरीके की पिक्चर क्वालिटी, 35 वोट के बल्ब के साथ कुछ इस तरीके की पिक्चर क्वालिटी, 9+35 के साथ कुछ इस तरह की, एंड डार्क रूम में तो नजारा ही आ जाता है। लेकिन एक और प्रो फीचर, पिक्चर कस्टमाइजेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग ब्राइटनेस, शार्पनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो एंड कलर टोन भी। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा कूल लगी। हाँ, कूल टोन भी सेलेक्ट कर सकते हो, 4 ऑप्शन है, यूजर, स्टैंडर्ड, कूल, वार्म, तो मतलब जैसा भी आपका कलर टोन का टेस्ट है वो आप इस पे चूज करके या फिर अपने अकॉर्डिंग ही सेटिंग्स बना सकते हो। और इसके बाद 6 प्री डिफाइंड प्रीसेट्स भी है जिसमें विविड भी है। तो ब्रो, विविड प्लस पिक्सपेक इक्वल टू प्रो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट में आपको पिक्सपेक या डीडील के अलावा इस टाइप का बॉडी कोई पिक्सपेक कह के सेल करता है तो वो कंप्लीटली डुप्लीकेट है एंड आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। या फिर पिक्चर सेटिंग्स में विविड प्रीसेट को शो करके उसको विविड क्लेम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि विविड ऑलरेडी शट डाउन हो चुका है और वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है। सो जेन्युइन पिक्सपेक प्रोजेक्टर सिर्फ
और सिर्फ ddeal.in या pixpack.in पर ही अवेलेबल है एंड मैं सिर्फ उन्हीं के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। ज्ञान बहुत हुआ। इस प्रोजेक्टर में आपको 25:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलता है, स्टैटिक वाला, नो मिसलीडिंग टर्म्स। एंड ये एक एक्चुअल कॉन्ट्रास्ट रेशो फिगर है। अगर आपको कोई 5,000, 10,000, 15,000 कॉन्ट्रास्ट रेशो बोलता है तो वो जेन्युइन नहीं है। सो ये प्रोजेक्टर काफी अच्छे ब्लैक्स ऑफर करता है एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 99.9% की कलर एक्यूरेसी एक अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशो के साथ आती है और पिक्चर कस्टमाइजेशन के साथ कॉन्ट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करके आप और ज्यादा बेटर ब्लैक्स ले सकते हो। आज भी काफी लोग सेट टॉप बॉक्स के साथ टीवी चैनल्स एंजॉय करते हैं तो मैंने इस प्रोजेक्टर के साथ टाटा स्काई का HD बॉक्स पेयर कर दिया है। स्टैंडर्ड चैनल्स के साथ कुछ इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है एंड HD यानी कि हाई डेफिनेशन चैनल के साथ कुछ इस टाइप की क्वालिटी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज वीडियो में ट्राई करनी थी कि जो पिक्चर कस्टमाइजेशन आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए मिलता है, चाहे आप HDMI यूज कर रहे हैं, VGA या फिर USB के साथ जा रहे हो। तो अभी एक स्क्रीन पे आप 4 सोर्सेज देख रहे हो जिसमें पहला है इसका इनबिल्ट एंड्रॉइड एंड अदर 3 HDMI पे अलग अलग कनेक्ट किए हैं जिसमें फायर टीवी स्टिक, रियलमी स्टिक एंड PC। तो पिक्चर कस्टमाइजेशन के साथ पिक्चर क्वालिटी में काफी ज्यादा कमाल हो जाता है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखते हैं। वहीं अगर इनबिल्ट सोर्स पे देखो तो आप कुछ भी यहाँ पे ट्वीक नहीं कर सकते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल सोर्स के साथ कोई भी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करो, पिक्चर कस्टमाइजेशन में अपने अकॉर्डिंग सेटिंग सेलेक्ट करो एंड देन ये आपको अनबिलीवेबल टाइप की पिक्चर क्वालिटी ऑफर करेगा। तो अगर पिक्चर क्वालिटी को यहाँ सम अप किया जाए तो ये आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है और जितने भी एलिमेंट्स पिक्चर क्वालिटी में कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, कलर टोन, शार्पनेस, सब कुछ आपको एकदम बेहतरीन मिलता है और 4K प्लस HDR का ऑनबोर्ड सपोर्ट लेकिन HDMI के साथ एक्सपीरियंस को और ज्यादा अमेजिंग बनाता है। इतना सब कुछ दिखा दिया, अनबॉक्सिंग किधर है? इधर है। कहाँ जाते हो? सबसे पहले प्रोजेक्टर, एक्सेसरी बॉक्स खाली, बेदर्दी नहीं, पावर केबल, HDMI केबल, 3.5mm टू RCA केबल फॉर स्टैंडर्ड बॉक्स, IR बेस्ड रिमोट एंड फाइनली VGA केबल। ओह प्रेम पत्र, डिस्क पे रैप है, इसको हटाते हैं। अहा, इसका जो डिजाइन है वो कंप्लीटली सिमिलर है इसके प्रीवियस मॉडल के, सिर्फ एक डिफरेंस है कि पीछे की साइड इस बार इसमें आपको LAN पोर्ट मिलता है क्योंकि ये एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है। टॉप साइड पे एक ग्लोसी ब्लैक टेक्सचर डिस्क, पिक्सपैक प्रो की ब्रांडिंग, बॉटम पर रबर पैड्स मिलती है लेकिन मैंने सीलिंग माउंट किया हुआ था तो रबर पैड्स हटा के सीलिंग माउंट किया जाता है। रियर पे कुछ फिजिकल की पावर पोर्ट, VGA, 2 USB, एक HDMI पोर्ट, एक AV पोर्ट, एक हेडफोन जैक एंड एक LAN पोर्ट एंड एट लास्ट इंफ्रारेड रिसीवर। इस प्रोजेक्टर में आपको ट्रिपल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है, सिंगल फॉर इनटेक, डुअल फॉर एग्जॉस्ट, जिसके साथ आप लंबे टाइम तक शोज, मूवीज, म्यूजिक सब कुछ इस पे एंजॉय कर सकते हो, ब्रेक की जरूरत नहीं है। और राइट साइड पे एयर इनटेक ग्रिल है जिसके ऊपर फिल्टर है, उसको आपको वीकली साफ करना है तभी आपका प्रोजेक्टर आपको बेटर परफॉर्मेंस सालों साल देता रहेगा। इसके जस्ट बाद फोकस डायल एंड प्लस माइनस 15 डिग्री का मैनुअल की स्टोन करेक्शन, लेकिन इसमें आपको 4D की स्टोन करेक्शन भी मिलता है, प्लस 80% तक आप जूम आउट भी कर सकते हो। 16GB की स्टोरेज के साथ आप काफी सारी एप्स इसके एप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रोजेक्टर पे एप्पल एयरप्ले और मीराकास्ट दोनों का सपोर्ट मिलता है लेकिन एंड्रॉइड के साथ जो मिररिंग है वो स्मूथ नहीं है, उसमें काफी लैग्स आते हैं। और अगर आप एप्पल एयरप्ले यूज करते हो एप्पल डिवाइसेस के साथ तो वहां पे मिररिंग का एक्सपीरियंस काफी स्मूथ आपको मिल जाता है। और इस प्रोजेक्टर की जो एप कंपेटिबिलिटी है वो काफी ज्यादा वाइड है, मैं इस पे फेसबुक वॉच, MX प्लेयर टीवी जैसी एप भी यूज कर रहा हूं लेकिन ये वाइड वाइन L3 लाइसेंस के साथ ही आता है, मतलब कि जितने भी पेड OTT प्लेटफॉर्म्स है लाइक Amazon Prime, Netflix, Hotstar, ये सब 480p तक ही काम करते हैं। तो 4K या फुल HD कंटेंट कंज्यूम करने के लिए आपको एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या स्टिक यूज करनी होगी। अब इसके इनबिल्ट स्पीकर वो भी काफी ज्यादा दमदार है, 5W के 2 स्पीकर यानी कि टोटल आउटपुट इज 10W। सैंपल सुनो। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो ये एक्चुअल 10 वोट के आउटपुट आपको देता है और अगर आप इसको आउटडोर में भी यूज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी एक्स्ट्रा होम थिएटर या स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए आपको 3.5mm ऑडियो जैक प्लस
ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट भी मिलता है, एंड्रॉइड 9 आउट ऑफ द बॉक्स एंड सिंगल बैंड वाईफाई। और हाँ, ये HDMI CEC कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है, दैट मींस आप प्रोजेक्टर के रिमोट से ही अपने सोर्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग्स लाइक आप चाहते हो कि ये स्टैंड बाई पे रहे पावर ऑन करने के बाद, या फिर डायरेक्टली पावर ऑन हो जाए, या फिर आप कोई बूट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि पावर ऑन होने के बाद डायरेक्टली VGA HDMI या USB पे चला जाए, या फिर कोई डायरेक्टली आप ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हो कि ऑन होते ही वो ही ऐप ओपन हो। तो ये तो थे भर भर के प्रोज, अब आते हैं कुछ कॉन्स पे कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली, स्क्रीन मिररिंग एंड्रॉइड के साथ लैगी है। सेकंड पॉइंट, हर प्रोजेक्टर की तरह इसका जो इनबिल्ट एंड्रॉइड है वो वाइडवाइन L3 लाइसेंस के साथ आता है। पिक्सपैक प्रो में आपको सिंगल HDMI पोर्ट मिलता है, और जो पिक्चर कस्टमाइजेशन सेटिंग्स है वो आपको HDMI USB और VGA पोर्ट के लिए ही मिलती है। तो अगर पिक्सपैक प्रो की सर्विस एंड वारंटी पे आए तो ये आता है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी के साथ, और पिक्सपैक की डोर स्टेप सर्विस है, यानी कि आपके दरवाजे पे आपको सर्विस मिलेगी, आपको कहीं नहीं जाना है। सिंपली पिक्सपैक की वेबसाइट पे जाके आपने वारंटी क्लेम फॉर्म फिल करना है, और पिक्सपैक आपके घर से प्रोजेक्टर को पिक करा लेगा, और विद इन 7 to 9 days सर्विस के बाद प्रोजेक्टर को आपके घर पे रिटर्न कर दिया जाएगा, और पिक्सपैक वारंटी पीरियड में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। अब आते हैं अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग पे। तो जो इसकी प्राइसिंग है वो है 24,999, लेकिन 4K प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। दैट मींस जो इसकी फाइनल प्राइसिंग होगी वो होगी 20,999। अमेजिंग ना? और ये अवेलेबल है ddeal.in पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है। सारी की सारी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, बाय नाउ पे लेटर, वॉलेट एंड फाइनेंस ऑप्शन भी है। ओहो, कैश ऑन डिलीवरी तो वो भी अवेलेबल है। COD को अवेल करने के लिए आपको 1,000 rupees की एडवांस पेमेंट करनी होती है, एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होता है तब। बाकी आपके प्रोडक्ट के साथ GST बिलिंग एंड मनी बैक गारंटी का 100% एश्योरेंस मिलता है। तो अगर वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर लो, और इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो 101 कंसल्टेंसी का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके अपनी कंसल्टेंसी बुक करो, मैं आपको कॉल या वीडियो कॉल करूंगा एज पर योर क्वेरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.